वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का ब्लॉग मेरे बर्थडे मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है। बर्थडे हर किसी के लिए खास होता है, तो मैं भी अपने लिए कुछ विश करती हूँ कि खुशी से बीते मेरा हर दिन, हर सुहानी रात हो, जिस तरफ मेरे कदम पड़े वहाँ खुशियों की बरसात हो। और आप लोग क्या सोच रहे हो यार, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बहुत सारी विशेस भेजो। और चलो एक शॉर्ट एंड स्वीट सेलिब्रेशन के साथ कुछ कैप्चर मोमेंट एंजॉय करते हैं। एक प्यारे से सेलिब्रेशन के बाद में हम मॉल घूमने के लिए निकल गए, थोड़ी शॉपिंग की जाए और एक अच्छा खाना खाया जाए, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात, इस शहर का थोड़ा माहौल एंजॉय किया जाए। हम मॉल में जहाँ बैठे हुए थे, वहाँ पे शॉप के बाहर एक मुझे बहुत ही सुंदर कोट लिखा हुआ दिखा। बहुत कम वर्ड और बहुत सुंदर सी बात, मुझे लगा ये शायद मेरे लिए ही लिखा गया है। बहुत ही मीनिंगफुल थॉट था। तो आप लोग भी देखिए एक बार, जीवन का कितना बड़ा सच कितनी छोटी सी बात में लिखा हुआ है। बर्लिन में जब तक तेज ठंड नहीं हो जाती है, आपको हर रेस्टोरेंट, हर खाने की जगह के बाहर आपको ऐसे ही रोड की साइड में खाने की टेबलें लगी हुई मिल जाएंगी। आपको इवनिंग में 6 से 9 डिनर टाइम में ऐसा ही स्ट्रीट व्यू हर जगह पे देखने को मिलेगा। ये ठंडी हवा, खुला आसमान, रास्ते से गुजरते हुए लोग, और अपने डिनर का वेट करते हुए या डिनर को एंजॉय करते हुए हम सब लोग, इससे ज़्यादा पीसफुल आपकी इवनिंग क्या ही हो सकती है। तो हम लोग भी अपना डिनर एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी मेरे ये कैप्चर मोमेंट एंजॉय कीजिए। अभी के जो ये मंथ चल रहे हैं, कितने फेस्टिवल वाइब्स लिए हुए हैं। अभी बर्थडे गया नहीं कि हमारे यहाँ पे गणेश स्थापना का दिन आ गया है, एक और नया और शुभ दिन। सुबह सुबह भगवान के वेलकम की तैयारियाँ हो रही हैं, मंदिर की साफ सफाई और गणपति के फेवरेट मोदक बन रहे हैं। आज गणेश स्थापना का दिन है, तो आज हम पहले घर में पूजा करेंगे और फिर चलेंगे एक बहुत ही अच्छी जगह, यहाँ का जो गणेश मंदिर है उसको देखने।
जब हम अपने देश में होते हैं तो आपको हर मोहल्ले में, हर गली में, हर वार्ड में बहुत सारे मंदिर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ बर्लिन में एक बड़ा गणेश मंदिर हमें मिला है जहाँ हम ओकेजनली चले जाते हैं या फिर जब भी मन करता है या फिर कोई त्यौहार होता है तब ज़रूर यहाँ पे जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जाने का एक तो मकसद होता है कि आप पूजा कर लें वहाँ का, और एक पूरा इंडियन माहौल मिल जाता है। जब भी आपको अपने देश की याद आ रही होती है तो ये त्यौहार हैं जो हम सब यहाँ पे मिलके एक मिनी इंडिया बना के एक साथ सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। ये है गणेश मंदिर, अभी इसका कंस्ट्रक्शन चालू है, बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर ये मंदिर बनके तैयार हो रहा है। एक दिन हम पहले भी आए थे तब हमने इसको अंदर से भी देखा था। अभी बहुत सारी मूर्तियाँ लग गई हैं लेकिन थोड़ी फ्लोरिंग और फिनिशिंग का काम होना अभी बाकी है, पता नहीं उसमें कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन इसके पास में ही एक छोटा मंदिर बना हुआ है जिसमें सारी पूजा अर्चना और स्थापना, वो सारे जो भी प्रोग्राम होते हैं वो वहीं पे ही होते हैं। तो आज हम भी उसके अंदर चलते हैं और ये गणेश जी के स्वागत की तैयारियां करते हैं। ये जो त्यौहार आते हैं हमारी ज़िंदगी में, ये शायद हमें इसलिए आते हैं कि इतनी बिजी लाइफ में से हम कुछ टाइम अपने लिए निकालें, अपने आसपास के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, और एक हंसी खुशी पूरा दिन बिना चिंता के बिताने के लिए। ये देखिए ना, आप यहाँ का माहौल देख के भी हमें ऐसा ही लग रहा है। बहुत सारी स्टेट से अलग अलग कल्चर को बिलीव करने वाले लोग इस मंदिर में थे, लेकिन सब मिल के गणेश जी स्थापना का प्रोग्राम ऐसे इंजॉय कर रहे थे जैसे एक मिनी इंडिया हो। आप अपने देश से बाहर होते हो तो कोई भी देश का जो भी आपको लोग मिलते हैं उन सब से मिलके, चाहे वो कोई से भी स्टेट से हो, कोई से भी भाषा जानते हो, आपको बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। तो हमने भी भगवान से प्रार्थना की और बहुत एक अच्छा समय बिताया और पूजा अर्चना आरती इन सब को करके बहुत अच्छा फील हो रहा था। आई होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। कितने छोटे छोटे और प्यारे प्यारे मोमेंट होते हैं जो आप कब कैमरे में कैद कर लेते हैं और उनको जब आप जीते हो तो आपको कितना अच्छा फील हो रहा होता है, और आप सब लोगों से ये मोमेंट शेयर करके मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो अभी के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और फिर मिलूँगी एक नई जगह को कैप्चर करते हुए। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए, प्लीज़ व्लॉग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी ही मिलते हैं, बाय बाय एवरीवन।